इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान, श्रोतागण एवं सभी दर्शक बंधुओं, आप सभी लोगों का एक बार इस चैनल पर हृदय से सबका स्वागत एवं सबका अभिनंदन है। कौन थे वारिसी जिन्होंने स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था? कौन थी वह स्त्री जो उनके श्राप से गर्भवती हो गई थी? जी हाँ दोस्तों, यह कथा आपको वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलेगी, जिसमें स्वयं भगवान श्री राम महर्षि अगस्त से पूछते हुए कहते हैं और अगस्त इस कथा को श्री राम को सुनाते हैं। वह कौन ऋषि थे? तो चलिए अब कथा की तरफ चलते हैं। इससे पहले मित्रों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। सतायुग की बात है, प्रजापति ब्रह्मा के पुलस्त नाम के एक प्रभावशाली पुत्र हुए। वह ब्रह्म ऋषि थे। एक बार मेरु के निकट रहने वाले राज ऋषि तृण बिंदु के आश्रम में गए और वेदों का स्वाध्याय व तपस्या करते हुए वहीं रहने लगे। परंतु ऋषियों, नागों और राज ऋषियों की कन्याएं तथा अप्सराएं प्रायः क्रीड़ा करती हुई उनके आश्रम की ओर आने लगी, जिससे पुलस्त्य के तप में विघ्न पड़ने लगा। इससे ऋषि कुछ नाराज हो गए और बोले, कल से जिस लड़की पर मेरी नजर पड़ जाएगी वह गर्भ धारण कर लेगी। उन महात्मा की बात सुनकर सब कन्याएं डर गईं और उन्होंने वहां आना बंद कर दिया। परंतु तृण बिंदु की कन्या ने श्राप को नहीं सुना था, इसलिए वह दूसरे दिन भी आश्रम में जाकर विचरने लगी। उस समय महर्षि पुलस्त्य वेदों का स्वाध्याय कर रहे थे। वेद ध्वनि को सुनकर कन्या उन्हीं की ओर चली गई और दर्शन किया। महर्षि की दृष्टि पड़ते ही उसके शरीर पर पीलापन छा गया और गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए। अपने शरीर में यह दोष देखकर वह घबरा उठी और वहां से भागकर अपने पिता के आश्रम पर जा खड़ी हुई। कन्या को उस अवस्था में देखकर तृण बिंदु ने पूछा, तुम्हारे शरीर की ऐसी हालत कैसे हुई? वह हाथ जोड़कर बोली, पिताजी, अभी थोड़ी देर पहले अपनी सखियों को खोजती हुई महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर गई थी, वहां कोई सखी नहीं मिली, साथ ही मेरा यह रूप हो गया। तृण बिंदु ने ध्यान लगाकर देखा। महर्षि के श्राप को जानकर वह अपनी पुत्री को उनके पास ले गए और बोले, हे भगवान, आप इसे स्वयं प्राप्त हुई भिक्षा के रूप में ग्रहण कर लें, यह आपकी सेवा करेगी। तब उन ऋषि ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उसे स्वीकार कर लिया। पति को संतुष्ट करती हुई वह कन्या वहीं रहने लगी। उसके शील और सदाचार से संतुष्ट होकर पुलस्त्य जी ने एक बार उससे कहा, सुंदरी, आज मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान करता हूं। मैं यहां वेदों का स्वाध्याय कर रहा था, उस समय तुमने आकर विशेष रूप से उसका श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र विश्रवा या श्रवण के नाम से जाना जाएगा। उचित समय पर कन्या ने पुत्र को जन्म दिया, जो विश्रवा के नाम से विख्यात हुआ। थोड़े ही समय में विश्रवा पिता की तरह तपस्या में लग गए। उनके अच्छे आचरण को देखकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कालांतर में उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनके जन्म की सूचना पाकर पितामह पुलस्त बहुत प्रसन्न हुए। देव ऋषियों के साथ मिलकर उनका नामकरण संस्कार करती हुई बोली, विश्रवा का यह पुत्र श्रवण नाम से विख्यात होगा। इस बालक में संसार का कल्याण करने की बुद्धि है और आगे चलकर यह देवताओं का धनाध्यक्ष होगा। आश्रम में रहने के कारण कुमार श्रवण के मन में धर्म का आचरण करने का विचार उत्पन्न हुआ। वन के भीतर जाकर वे कठोर तपस्या करने में लग गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं के साथ उनके आश्रम पर उपस्थित हुए और बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं, जो चाहो वह वर मांग लो मुझसे। ये सुनकर श्रवण ने कहा, हे भगवन, मेरा विचार लोक की रक्षा करने का है, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूं। श्रवण की बात को सुनकर ब्रह्मा जी के चित्त को और भी संतोष हुआ। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, वत्स, यम, इंद्र और वरुण के बाद मैं समय से चौथे लोकपाल की सृष्टि करना चाह रहा था, अब से उनके साथ तुम चौथे लोकपाल कहलाओगे। सूर्य के समान तेजस्वी इस पुष्पक विमान को ग्रहण करो और देवताओं के समान हो जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ अपने स्थान को चले गए। उसके बाद श्रवण ने पिता के पास जाकर कहा, भगवान, मैंने पितामह से मन के अनुकूल वर पा लिया है, परंतु उन्होंने मेरे लिए कोई स्थान नहीं बताया है। मेरे लिए ऐसा स्थान की खोज कीजिए जहां मेरे रहने से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। उनके ऐसे कहने पर पिता ने कहा, सुनो,
दक्षिण समुद्र के तट पर त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। उसके शिखर पर एक विशाल पुरी है, उसका नाम लंका है। विश्वकर्मा ने उसका निर्माण राक्षसों के रहने के लिए किया है। तुम वहां जाकर रहो। उसकी चार दीवारी सोने की बनी हुई है और फाटक सोने व नीलम के बने हैं। उनके चारों ओर गहरी खाइयां खुदी हैं और वह अनेकानेक यंत्रों तथा शस्त्रों से सुरक्षित है। पुराने समय में विष्णु के भय से पीड़ित राक्षस उसे त्याग कर रसातल में भाग गए थे, इसीलिए वह अब सूनी पड़ी है। उसका कोई भी स्वामी नहीं है। वहां रहने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है और न ही किसी की ओर से किसी विघ्न बाधा की आशंका है। पिता की बात मानकर कुबेर त्रिकूट पर्वत पर बनी लंकापुरी में निवास करने लगे। उनके जाने के कुछ ही दिन बाद उनकी आज्ञा पाकर बहुत अशिष्ट पुष्ट राक्षस भी वहां आकर रहने लगे। अगस्त जी की कही हुई बात सुनकर श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, राक्षसों की उत्पत्ति तो मुनिवर विश्रवा से मानी जाती है। यदि उनसे पहले ही लंकापुरी में राक्षस रहते थे तो उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। अतः उन्होंने अगस्त जी से पूछा, भगवन, धनपति कुबेर और रावण से पहले भी लंका में राक्षस रहते थे, ये सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हमने तो यही सुन रखा था कि राक्षसों की उत्पत्ति पुलस्त्य जी के कुल से हुई है। उनसे पहले राक्षसों का पूर्वज कौन था और विष्णु ने उन्हें लंका से क्यों मार भगाया था? उनकी बात सुनकर अगस्त जी ने कहा, रघुनंदन, जल से प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा ने समुद्रगत जल की सृष्टि करके उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल जंतुओं को उत्पन्न किया, भूख प्यास से पीड़ित हुए जंतु। अब हम क्या करें? ऐसा कहते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें देखकर उन्होंने कहा, तुम यत्न पूर्वक जल की रक्षा करो। यह सुनकर उनमें से कुछ ने कहा, हम जल की रक्षा करेंगे। दूसरों ने कहा, हम इसका रक्षण करेंगे, यानी हवन करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम में से जिन्होंने रक्षण की बात कही है वे राक्षस नाम से जाने जाएंगे, जिन्होंने रक्षण की बात कही है वह यक्ष नाम से जाने जाएंगे। उन राक्षसों में हेती और प्रहेती नाम के दो सगे भाई थे। वे समस्त राक्षसों के आधिपति बने। वे दोनों मधु और कैटब के समान बलशाली थे। उनमें प्रहेती धर्मात्मा था, इसलिए वन में जाकर वह तपस्या करने लगा। हेती ने काल की बहन भद्रा से विवाह कर लिया। उससे उसको विद्युतकेश नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बड़ा होने पर विद्युतकेश का विवाह संध्या की पुत्री सालकंटक के साथ हुआ। कुछ काल के बाद सालकंटक ने मंदराचल पर्वत पर जाकर एक बालक को जन्म दिया और उसे वहीं पर छोड़कर विद्युतकेश के साथ रमण करने के लिए चली गई। उसका छोड़ा हुआ वह बालक स्वयं ही अपनी मुट्ठी मुंह में डालकर रोने लगा। उस समय उस मार्ग से शंकर जी और स्वयं माता पार्वती एक साथ आ रहे थे। उन्होंने उस बालक को देखा, उनके मन में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उसे माता के समान युवा बना दिया। यही नहीं, भगवान शिव ने नगर के आकार का एक आकाश में उड़ सकने वाला विमान भी उसे दिया। उसी अवसर पर माता पार्वती ने भी यह कहा कि आज से राशियां जल्द ही गर्भ धारण करेंगी, जल्द ही प्रसव करेंगी और उनका पैदा किया हुआ बालक तत्काल बढ़कर माता के समान अवस्था का हो जाएगा। विद्युतकेश का पुत्र सुकेश नाम से प्रसिद्ध हुआ। रघुनंदन ग्रामणी नाम के गंधर्व ने सुकेश को वैभव से संपन्न देख अपनी देववती नाम की कन्या का विवाह उससे कर दिया। समय आने पर देववती के गर्भ से सुकेश के तीन पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। उन्हें जब मालूम हुआ कि हमारे पिता को तपोबल से ऐश्वर्य की प्राप्ति है, तब वह तीनों भी तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां आए और बोले, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तब वे तीनों हाथ जोड़कर बोले, देव, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करें कि कोई हमें परास्त न कर सके और हमारा परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उनको वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। वर पाकर वे तीनों निशाचर निर्भय होकर देवताओं, ऋषियों और असुरों को कष्ट देने लगे। हे रघुनंदन, वही राक्षस एक दिन विश्वकर्मा के पास जाकर कहने लगे, हमारे लिए आप हिमालय, मेरु अथवा मंदराचल पर चलकर विशाल निवास का निर्माण कीजिए। यह सुनकर विश्वकर्मा ने उनसे कहा, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नाम का तथा एक सुमेल नाम का पर्वत है। उस त्रिकूट के मझले शिखर पर मैंने इंद्र की आज्ञा से लंका का निर्माण किया है। वह 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी है।
तुम उसी में जाकर वहां पर निवास करो, तुमको जीत पाना बहुत कठिन होगा। विश्वकर्मा की बात सुनकर वे तीनों राक्षस अपने अनुचरों के साथ लंकापुरी में जाकर बस गए। उन्हीं दिनों नर्मदा नाम की एक गंधर्व भी थी। उसके तीन कन्याएं थीं, सुंदरी, केतुमती और वसुधा। उसने सुकेश के उन तीनों पुत्रों के साथ अवस्था अनुसार अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया। सुंदरी का विवाह माल्यवान से, केतुमती का विवाह सुमाली से, वसुधा का विवाह माली से हुआ। इनमें माल्यवान के 7 पुत्र, 1 कन्या, सुमाली के 10 पुत्र, 4 कन्याएं तथा माली के 4 पुत्र पैदा हुए। वे सभी राक्षस मिलकर सारे संसार में विचरते हुए यज्ञ आदि क्रियाओं का नाश करते हुए देवताओं, ऋषियों, नागों और अच्छों को पीड़ा देने लगे। माली के 4 पुत्र विभीषण के मंत्री बने। इन राक्षसों से दुखी होकर देवता और ऋषि महादेव की शरण में गए और गदगद वाणी में बोले, ब्रह्मा जी के वरदान से उन्मत्त सुकेश के पुत्र संपूर्ण प्रजा को बड़ा कष्ट पहुंचा रहे हैं। हमारे आश्रमों को उन राक्षसों ने उजाड़ डाला है। उनके भय से हम बहुत घबराए हुए हैं। आप हमें अभयदान दीजिए और उनका संहार कीजिए। मित्रों, इस तरह से ऋषि ने कई कन्याओं को गर्भवती होने का श्राप दिया था, जो मैंने आपको सुनाया। वह भी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से लिया है। अगर आप इसके पार्ट 2 चाहते हैं, जो आप इसके आगे की कहानी सुनना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट में पार्ट 2 लिखें और मैं जल्द ही आपके लिए पार्ट 2 भी बनाऊंगा। मित्रों, आपसे लेते हैं इजाजत, मिलेंगे फिर खास जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।